हे गाइस, वेलकम टू टेक संजू। ईस्टर्न रेलवे की तरफ से एएलपी कैंडिडेट्स के लिए एक ऑफिशियल अपडेट 16/9/2020 यानी कि आज ही के दिन रिलीज हुआ है। दोस्तों, इस नोटिस में आरआरबी कोलकाता और आरआरबी मालदा के टोटल 87 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन लोगों का फिर से डिवीजन रीअलॉटमेंट किया गया है। इसके साथ साथ कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिन्हें डिवीजन पे प्रॉपर टाइम पे रिपोर्टिंग ना करने की वजह से उन लोगों का पैनल पेपर दोबारा आरआरबी पे भेज दिया गया है। और अगर ये न्यूज़ एक तरफ से देखा जाए तो वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट बिफोर यू बिगिन, सब्सक्राइब टू द टेक संजू चैनल, प्रेस द बेल बटन फॉर द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। तो आइए एक बार ये नोटिस देख लेते हैं। ये रही वो नोटिस जो कि आया है ईस्टर्न रेलवे की तरफ से, और इसका डेट देख लीजिए 16/9/2020 यानी कि आज ही के दिन पे ये नोटिस जारी किया गया था। दोस्तों, ये नोटिस मालदा से आया है। दोस्तों देखिए, यहाँ पे नोटिस का सब्जेक्ट लिखा है रीअलॉटमेंट ऑफ पैनल पेपर फॉर द पोस्ट असिस्टेंट लोको पायलट ग्रेड रुपीज़ 5,200 to 20,200, ग्रेड पे रुपीज़ 1,900, रिक्रूटेड थ्रू आरआरबी कोलकाता एंड आरआरबी मालदा टाउन अगेंस्ट CEN नंबर 1/2018। दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, द फॉलोइंग 87 कैंडिडेट्स हु आर एम्पैनल्ड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट इन द लेवल 2 थ्रू आरआरबी एंड वेयर अलॉटेड टू मालदा डिवीजन वाइड PCPO ईस्टर्न रेलवे KKKS लेटर मेंशन इन द रेफरेंस 1 इज हियर वे री अलॉटेड टू द आसनसोल डिवीजन वाइड PCPO ईस्टर्न रेलवे KKKS लेटर मेंशन इन द रेफरेंस 2। दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि 87 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन लोगों को पहले मालदा डिवीजन पे अलॉट किया गया था, उन लोगों को री अलॉट करके आसनसोल डिवीजन में उन लोगों को अलॉटेड कर दिया गया है। और देखिए इसके बाद लिखा है, रिक्रूटमेंट पेपर ऑफ 5 नंबर्स ऑफ ट्रेनी ALPs हु डिड नॉट रिपोर्टेड फॉर द पेपर वेरिफिकेशन, देयर पैनल पेपर हैड बीन रिटर्न्ड टू द PCPO ईस्टर्न रेलवे ऑफिस वाइड दिस ऑफिस लेटर ऑफ इवन नंबर डेटेड 3/9/2020 कॉपी इनक्लोज फॉर द रेडी रेफरेंस। दोस्तों यहाँ पे बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है। दोस्तों यहाँ पे टोटल 5 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको यहाँ पे डिवीजन में रिपोर्ट करने के लिए बताया गया था, लेकिन वो प्रॉपर डेट में यहाँ पे रिपोर्ट नहीं कर पाया। और यहाँ पे 3 तारीख तक लास्ट अपडेट आया है, 3 सितंबर 2020 तक जो लास्ट अपडेट है। ऐसे 5 कैंडिडेट, उन लोगों का पैनल पेपर फिर से दोबारा आरआरबी पे भेज दिया गया है। तो पहले देख लेते हैं यहाँ पे ये 5 कैंडिडेट कौन है जिसका पैनल पेपर दोबारा आरआरबी पे भेज दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे आप लोग कैंडिडेट मिला सकते हैं, यहाँ पे शिव शंकर प्रसाद, रवि कुमार, सौरभ कुमार, धीरेंद्र सिंह और संजय कुमार नाम के 5 कैंडिडेट हैं, जो इनमें से 2 कैंडिडेट ऐसे मैकेनिकल के और 3 कैंडिडेट है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के। पाँचवें ALP कैंडिडेट है जिन लोगों का पैनल पेपर फिर से आरआरबी पे भेज दिया गया है। और दोस्तों अगर एक तरफ से देखा जाए, ये वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट के लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है। ठीक है, फिलहाल मैं इस नोटिस को आगे पढ़ता हूँ, इसके बारे में बाद में बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पे 2 नंबर पॉइंट पे ये लिखा है, यहाँ पे टोटल जो 87 कैंडिडेट है उनमें से 5 कैंडिडेट जो एब्सेंट हो गया था रिपोर्टिंग पे, उन लोगों को छोड़कर टोटल 82 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन लोगों का ऑलरेडी यहाँ पे रिपोर्टिंग भी हो गया और इन लोगों का प्रॉपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया। उन सारी कैंडिडेट को यहाँ पे जिन लोगों को पहले मालदा टाउन में डिवीजन अलॉटमेंट किया गया था, उन लोगों को फिर से रिवाइज करके आसनसोल पे कर दिया गया है। तो जिन जिन कैंडिडेट का यहाँ पे नाम है उसका रोल नंबर मिला के आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे टोटल ऐसे 82 कैंडिडेट हैं जिन लोगों का यहाँ पे फिर से मालदा टाउन से आसनसोल में रीअलॉट कर दिया गया है। और देखिए यहाँ पे डिविजनल रेलवे मैनेजर का साइन भी है ईस्टर्न रेलवे मालदा का। तो दोस्तों ये थी वो ऑफिशियल अपडेट। तो यहाँ पे टोटल 82 कैंडिडेट ऐसे हैं जो जिन लोगों को मालदा टाउन से रीअलॉट करके आसनसोल डिवीजन में अलॉट कर दिया गया है। और अगर बात किया जाए वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट की, तो फिर आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे 5 कैंडिडेट हैं जो यहाँ पे प्रॉपर टाइम में DP के लिए एब्सेंट थे। और अगर ये 5 कैंडिडेट यहाँ पे ज्वाइनिंग ना कर पाए तो वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट के लिए ये एक सुनहरा मौका होगा, क्योंकि 5 आप लोग देख सकते हैं 3 तारीख तक जो
यहाँ पे डीवी हुआ था उसके हिसाब से 5 कैंडिडेट यहाँ पे ऑलरेडी एबसेंट है, तो यहाँ पे 5 वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट का यहाँ पे क्लियर होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों ये थी आज का नोटिस जो कि आया है ईस्टर्न रेलवे की मालदा डिवीज़न से। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें कि बाकी सभी लोग इस वीडियो को, इस न्यूज़ को जान पाए। और अगर आपको इस PDF का एक कॉपी चाहिए आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं, तो फिर मैं आप लोगों को इस PDF का एक लिंक दे दूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड।